अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन इन भारतीय शादियों में हुए कांड देखकर लोटपोट हो जाएंगे फनी इंडियन वेडिंग वूमेन्स बाय हिंदी काउंटडाउन। वैसे भी हम लोग ऐसे सोशल मीडिया पे रोज क्लिप्स देखते हैं कि जहाँ पे एकदम शॉक हो जाती है क्या हो गया करके, तो इस पे देखते क्या है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। थोड़ा पीछे किसका, आगे को किसका, अंदर किसका? अबे यार तुम उसे करने दो, ऐसे कैसे पता चलेगा हम बाप हैं? आप लोगों की हाई डिमांड के चलते एक बार फिर हम लाए हैं फनी इंडियन वेडिंग मोमेंट्स पार्ट 5। देखेंगे शादी हो और बिन बुलाए मेहमान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ। और ये बिन बुलाए मेहमान एक बार दूल्हे के सिर पर बैठे, फिर दुल्हन के और आशीर्वाद देकर चले गए। यहाँ पंडित जी वैदिक मंत्रोच्चारण कर विवाह संपन्न करा रहे थे, तभी दूल्हे को टीका लगाने को कहते हैं और दूल्हा खुद को टीका लगाकर पंडित जी को भी टीका लगाने लगता है। इस तरह यहाँ तीन लोगों का विवाह संपूर्ण हो जाता है, जिसे देख दुल्हन की भी हंसी छूट जाती है। दूल्हे और दुल्हन पर पड़ने वाले स्प्रे के चक्कर में पंडित जी ऐसा पिसे कि मंत्र के जगह माँ बहन गरियाते हुए सीधा अंगोछे से ही प्रहार करने लगे। अरे उनकी शादी, उनका चेहरा खराब कर रहे हो सब। ऐसे ही इस दूल्हे पर भी इतना स्प्रे पड़ा कि महाशय दूल्हा कम स्नोमैन ज्यादा लग रहे। देख ही नहीं रहे लोग। बारात के समय घोड़ी डांस दिखाने से पहले ऐसे जोरदार पटाखा फूटा कि घोड़ी दूल्हे संग मौके से फूटली। दोस्तों के उकसाने पर दुल्हे ने दुल्हन को उठाने के चक्कर में जिस बेतरतीबी से खुद संग दुल्हन को गिराया, सभी बोल उठे होंगे दुल्हन उठा नहीं पा रहा, जिम्मेदारी खाक उठाएगा। कुछ ऐसा ही हाल इस बंदे का भी होगा जिसने वेडिंग शूट में दुल्हन को ऐसा संभालना चाहा कि दुल्हन धड़ाम से गिर पड़ी। मानो ना मानो लेकिन इसकी सजा इसे अब जिंदगी भर मिलने वाली है। कैसे लगता है वेडिंग फोटोग्राफर्स को भी इसमें खास मजा आता होगा, तभी तो ये हरकत सीमित नहीं है और जगह जगह कहीं दुल्हन या फिर दूल्हा अपने गुल्लक तोड़वाते फिर रहे हैं। एक तो ये वेडिंग फोटोग्राफर्स पता नहीं कौन कौन से पोज लेकर आते हैं जो रोमांटिक कम और टॉर्चर ज्यादा लगते हैं। मऊ के कोपागंज में 13 मार्च 2023 की रात शादी के इस वीडियो में इस सस्ते शाहरुख खान को देखकर आपको ये लग रहा होगा ये भी दुल्हन का कोई एक्स है। क्या करते हो? सुन मेरी बात, पहले मरते दम तक लेके जाऊंगा वो लड़की के यहाँ से, मरते दम तक लेके जाऊंगा, मांग फ्राक भी लेके जाऊंगा उसी के हाथ से। सुन मेरी बात, सुन, आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। ये आपको जानकर हैरानी होगी, स्टेज पर चढ़ा ये शख्स खुद दूल्हा है जो लड़की की मांग भरते भरते रह गया। दरअसल वरमाला के समय ही दुल्हन को दूल्हे की हरकतों पर कुछ शक हुआ कि कहीं दूल्हे की मानसिक स्थिति में कोई गड़बड़ तो नहीं, और दूल्हे को भी क्या कहा जाए। स्टेज पर चढ़कर महाशय ने जो नाटक किया कि शाहरुख खान भी शर्मा जाए, इन्हें वरमाला की नहीं इलाज की जरूरत है। खैर पुलिस द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कानून भी हो जाए, चाहे इंस्पेक्टर कोई भी आ जाए, मेरा कोई बाका नहीं कर सकता। अगर किसी को ऐसी बीवी मिल जाए तो बिजनेस करने के बाद ग्राहक बुलाने वालों की कमी नहीं पड़ेगी। आलो, कुत्ता लो, पजामी लो, सलवार लो, सोर वे, कबाड़ी वाले। कबाड़ी वाले। एक
क्या था? जितना क्लियरली इन पंडित जी ने वचन का अर्थ समझाया उसे सुनकर लग रहा है महाराज शायद खुद भी धोखा खा चुके हैं। अंतिम वचन है कि आप दूसरी स्त्रियों को माता के समान समझेंगे। आपके और मेरे प्रेम के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, मतलब आज लाइन मारना बंद। पंडित कैसे समझा रहे हैं? हमारा दूरा सीधा है, वो ऐसा नहीं है। इस आंसू माताओं की मंडली लगता है अपने इंस्टाग्राम वाली बहू से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई, तभी तो उसके लिए पूरा को पूरा भजन ही बना दिया, जैसे आप इनके ही मुंह से सुने तो ज्यादा बेहतर है। भारतीय शादियों में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को न मिले ये कैसे हो सकता है? दरअसल बिहार में दूल्हे का काम बॉयफ्रेंड कर गया। जी हां, वरमाला के दौरान लड़की का पूर्व प्रेमी अचानक से दुल्हा दुल्हन के बीच में आया और दुल्हन की मांग बढ़ डाली। अब बीच रस्म में अगर कोई भी सज्जन इस तरह की हरकत करेंगे तो कुटना तो बनता है। पहले थप्पड़ खाया, फिर ऐसी हड्डियां तोड़वाई कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और बारात भी वापस लौट गई। हालांकि लड़का लड़की पिछले एक साल से रिलेशनशिप में थे और लड़के के हिसाब से लड़की ने ही ऐसा करने को उसको कहा था, इसलिए हिंदी काउंटडाउन कहता है इस खेल में वित्तीय और शारीरिक जोखिम शामिल है, कृपया जिम्मेदारी और अपने रिस्क पर खेलें। ऐसा ही एक वीडियो यहाँ वायरल हुआ जब इस दिल टूटे आशिक ने शादी पर पहुंचकर प्रेमिका और दुल्हे के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और पैर पकड़े, लेकिन दुत्कार दिया गया। खैर, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। हर्षद मेहता से बड़ा स्कैम तो इस शादी में चल रहा है, जहाँ दुल्हा भले ही दुल्हन को देखकर अपनी किस्मत पर खुश हो रहा हो और व्यूअर सरकारी नौकरी बोलकर खुद की किस्मत को कोस रहे हो, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट दुल्हन के हाथ रंगना भूल गई और तब पता चला दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आप जैसे भी हो बहुत सुंदर हो। ऐसे ही एकता कपूर के सीरियल लेवल का धोखा यहाँ पर भी है, जहाँ लड़के को वेबसाइट में तो हुस्न परी जाने जहाँ दिखाई गई पर प्रोडक्ट क्या डिलीवर हुआ आप खुद ही देख लीजिए। जैसे ऑनलाइन दिखता है वैसा होता नहीं, बट मैंने बहुत से बार देखा है दुल्हन जब वो मेहंदी लगाती है तो उसका हाथ यूजुअली ही डार्क दिखता है चेहरे से, तो पता नहीं उसका कैसा था या फिर सच्ची में बहुत ज्यादा रंग दिया है पार्लर वाले ने, नहीं पता नहीं। तो हमेशा हम ऐसे क्लिप्स देखते हैं, फिर कोसते कि इसके पास जरूर सरकारी नौकरी है इसलिए ये लेके गया लड़की को और कुछ ले करके दिखा। और वो सरफिरा आशिक बीच में घुस के वो मांग भर देता है, दोनों भी सरफिरे आशिक है, ऐसे आशिक किसी को ना मिले। और फिर वो पति वाला भी जवाब पे उसको, एक्चुअली वो लड़की बच गई, उसको स्टेज पे पता चला कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ है, मतलब खराब है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा करके, ठीक है। तो उसने कहा कि अब भाई पे शादी तोड़ दी वरना वो पागल हो जाती इस आदमी के साथ रह के। आशिक हूं मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। बेवकूफ था यार, बच गई वो। पुराने टाइम में कैसे एक दूसरे के साथ बिना बात किए शादी कर लेते थे, पता नहीं क्या आके देखते थे, मम्मी पापा ने हाँ बोल दिया, हाँ शादी, ऐसा कोई मिल जाए तो गए ना। तो ये मेरा रिएक्शन ऑन इंडियन फनी वेडिंग मूवमेंट्स बाय हिंदी काउंटडाउन।
आप और भी ऐसी वीडियोस देखते हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आ